नमस्कार प्रणाम, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है फिर से एक बार यूपी के लाला में। आज नानक मत्ता दर्शन करने चल रहे हैं, गाड़ी में अपने हम लोग बैठ चुके हैं। अभी दो तीन लोग और आने वाले हैं जो आ रहे हैं, फिर आने के बाद चलते हैं। हम और कृष्णा भाई भांजा मेरे देख रहे हैं, हेलो, मुस्कुराते बहुत जबरदस्त है, ये मुस्कुराहट जबरदस्त है इनकी, ये आप लोग देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे। आगे का ब्लॉग कितना मस्त होने वाला है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। नानक मत्ता में नानक सागर डैम है, उसको देखने में मजा आएगा। साथ में और वहाँ क्या है, लंगर मिलता है भाई, मानना पड़ेगा, जो वो जबरदस्त तरीके से, हो सकता है आप लोगों को वहाँ के भी दिखा दें कैसे लंगर खवाते हैं सबको, छकाते हैं जिसे कहते हैं। और आगे ब्लॉग मस्त होगा और आज की डेली रूटीन्स भी यहाँ का देखा जाएगा और उस क्षेत्र के कुछ परिदृश्य भी देखने को आप लोगों को मिलेगा जो जिसे हम देख सकते हैं। अब हमारी गाड़ी जो है निकल रही है यहाँ से और अब आगे जो भी होगा सब कुछ देखने को मिला है। देखो जगजीत सिंह अरजीत सिंह और कट्टा सिंह, तीनों बैठे हैं। आज नानक मत्ता हम लोग चलेंगे और हमारी गाड़ी अब चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास श्याम भाई हम लोगों के साथ आ गए, गाड़ी बदल गई हम लोगों की। मौका देखिए, एक गाड़ी में बैठे दूसरे गाड़ी में ट्रांसफर हो गए हम लोग जो है। अब फिर नानक मत्ता चल रहे हैं, नानक डैम देखेंगे और वहाँ और भी जो भी देखने लायक होगा उसको दिखाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे और एक मौका मिलेगा लंगर छकने का, जो मजा आएगा वो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अंदर अंदर फोटोग्राफी मना है, वीडियोग्राफी मना है, लेकिन लंगर में तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाहर का नजारा जरूर दिखाएंगे जो अच्छे तरीके से। और डैम में हो सकता है बोटिंग करने का भी मजा मिले, शायद चालू हो गई है। तो आगे ब्लॉग में बने रहें आप लोग, बाकी हमारे सभी भांजे इधर आसपास बैठ के मिला रहे हैं। अभी कट्टा सिंह को देखे आप, कट्टा सिंह और अरजीत सिंह ये लोग भी आसपास बैठ के मजे ही ले रहे हैं। यह जो देख रहे हैं साइड में खेत, यह मटर की खेती की हुई है। इससे काफ़ी बड़े बड़े काश्तकार यानी खेती करने वाले हैं जो मटर की खेती करते हैं और उसको मंडी तक पहुंचवाते हैं और काफ़ी लेबरों को लगा के देख रहे हैं। इस समय मटर तोड़ी जा रही है। यह हम लोग नीचे से अब जा रहे हैं ऊपर, साइड में ऊंचाई जो देख रहे हैं डैम है, डैम देखेंगे और सब इंजॉयमेंट भी होगा। लेकिन बारिश हल्की हल्की हो रही है, देख रहे हैं ये शीशे के जो कांच है, कांच पे जो है बूंदे गिर रही है बारिश की, लेकिन इसी तरह रहता है कि इससे अधिक हो जाती है ये देखने के बाद पता चलेगा एंजॉयमेंट पूरा होता है कि नहीं होता है, सब कुछ देखने को मिलने। और ये डैम के हम लोग पास पहुंच रहे हैं, डैम का ये जो देख रहे हैं गेट, पहला गेट हम लोगों को देखने को मिल रहा है और साइड में वाह आप देख रहे हैं सागर डैम, ये देख रहे हैं कितने दूर में, काफी दूर में फैला हुआ, हवाएं बहुत तेज चल रही है, सर गजब हलचल है, बहुत तेज चल रही है हवाएं और सामने छोटी छोटी पहाड़ी है, उससे पहाड़ों से पानी ज्यादा तैराता है इसमें। ये लहरें उठ रही हैं, इसे देखेंगे तो आवाजें कर रही हैं, कलकल आवाजें आ रही हैं, गजब की बात है। और मौका मिला तो बोटिंग करने का तो भी करेंगे। अभी हम लोग चलेंगे उस साइड जो देख रहे हैं, काफी दूर बीच में दिख रहा है गुंबद टाइप, वहां तक हम लोगों को चलना है। यह नानक सागर में से जो डैम से यह गेट बना हुआ है देख रहे हैं, ऊपर नानक सागर लिखा हुआ और यह पूरे डैम के जो है ये गेट लगे हुए हैं। इसको जब ज़रूरत होता है सिंचाई के लिए तो इसे खोला जाता है और बारिश के दिनों में तो ऐसे ही खोल दिया जाता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन और दिनों में जो है जब ज़रूरत होता है तो क्षेत्र में खोला जाता है। यह बरेली परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है, इस पर अभी भी अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार की है। और यह मीटर देख रहे हैं, मीटर गेज लगा हुआ, कितनी
पानी भरा वो पता चलता है, और ये यहीं से जो प्लेन एरिया में नहर या निकल जाती है नीचे प्लेन पकड़ता है, और इसके बाद ये सिंचाई वाले क्षेत्र में जाता है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डैम के ऊपर साइड से जाने लायक बना गए वो जो दूध का कुआं है वहाँ तक जाएंगे देखने के लिए। और यह बोटिंग का जो स्टेशन बना है यहाँ देख रहे हैं, जेट स्काई, जेट अटैक, क्या क्या है सब कुछ सेवाएँ यहाँ। लेकिन बारिश का मौसम है और अचानक बारिश होना शुरू हो गया तो मुश्किल हो गया आना जाना। और ये देख रहे हैं सामने दूध का कुआं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अभी इस समय हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि भीग जाएंगे, उतना दूर जाने में कम से कम 200-300 मीटर की दूरी है। लेकिन अभी फिर गुरुद्वारे में चल रहे हैं दर्शन करने के लिए, उधर से रिटर्न होंगे। अगर बारिश थम गई तो फिर हम लोग इसको ज़रूर देखेंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। और यह पूरा डैम और बादल देख रहे हैं कैसे छाया हुआ है, और यह नानक सागर कितनी दूरी में बना है यह आप ऐसे ही देख सकते हैं। कितनी दूरी में नज़र नहीं आ रहा है कि इंड कहाँ है, काफ़ी दूरी में है, कभी चौपी चौड़ाई में है। और बारिश अभी तेज़ हो रही है, अभी हम लोग इससे निकलेंगे और रवानगी करेंगे, फिर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से निकलते हैं तो फिर गुरुद्वारा में चलेंगे। और यह देख रहे हैं साइड से राउंड टाइप बनाया गया, इसके नीचे लोग शरण लिए हुए हैं। बारिश में हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं, क्योंकि आप वीडियो में सुन भी सकते हो कुछ आवाज़ ऐसी आ रही है तो पता भी चल जा रहा हो। गुरुद्वारे के पास हम लोग हैं, लंगर छक कर जो है अभी आए हैं। इस साइड लंगर छकने का व्यवस्था है, और पीछे गुरुद्वारा बाहर से देख सकते हैं क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। गुरुद्वारा का गुंबज देख रहे हैं, यह अलाउ नहीं है जो आप लोग अंदर से वीडियो बना सकते, इसलिए बाहर से वीडियो बना कर जो है आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ आए थे। यह अगर रुद्रपुर से खटीमा जाते हैं उस रूट पर पड़ता है नानक सागर डैम, और लगभग में 17 किलोमीटर दूरी होगी, यही दूरी इसकी है। और बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, अभी आपको बाहर से दिखाते हैं, अंदर तो नहीं दिखा पाएंगे लेकिन बाहर से जरूर दिखाते हैं। गुरुद्वारा का फ्रंट पेज बाहर से, और इस तरह से नज़ारा देखने को लग सकता है आप लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुद्वारा में। लेकिन अलाउ नहीं है कि आप वीडियो बना सकते हैं, ये परिसर पूरा बाहर बाहर का है। गुरुद्वारा का जो ये मेन गेट देख रहे हैं बाहर बाहर, पूरा पर्दे से देख लीजिए इसका जो है गुरुद्वारा का बाहर से बनावट कितना अच्छा लग रहा है, मस्त, बहुत ज़बरदस्त, एकदम अट्रैक्टिव, अंदर से भी एकदम खूबसूरत और बेस्ट है। लेकिन बसरते अंदर देखने का मौका नहीं मिला, यहाँ हम लोग दर्शन कर चुके, दर्शन करने के बाद अब फिर चलते हैं। मौसम वैसे खुल गया, बारिश तो कम हो गई है, अगर मौका मिलता तो फिर बोटिंग करेंगे, अगर नहीं बोटिंग मौका मिला तो फिर नहीं करेंगे। लेकिन यह डैम के ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलते हैं फिर कुछ आसपास के दुकानों से कुछ देख लेते हैं खरीदने के लिए, इसके बाद फिर निकलते हैं। दोस्तों एक बार मौका फिर मिल गया यार देखने का, और अभी तो जहाँ बोटिंग करना वहाँ तो अभी पहुँचे नहीं है, लेकिन आप लोगों को दूध का कुआं भी दिखा देते। गुरु नानक जी जब आए थे यहाँ, उन कहा जाता है कि दूध का कुआं था, वो सामने देख रहे हैं दूध का कुआं नाम से जाना जाता है। और अब हम चल रहे हैं वहीं, देखते हैं, और धूप हल्की हल्की हो चुकी है, देख रहे हैं मेरे चेहरे पर पड़ रही है, इसका मतलब है कि कुछ मज़ेदार मौसम हो चुका है। फिर देखते हैं अगर और अच्छा मिल गया बोटिंग का, अगर इन्जॉयमेंट मिल सकता तो भी करेंगे, उसका भी इन्जॉयमेंट करेंगे। यह नानक सागर डैम का जो देख रहे हैं दूसरे साइड का, यह पूरा परिक्षेत्र दिख रहा है, कितना खूबसूरत और मस्त, लहरें चल रही हैं, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। किसी किसी वीडियो में आप लोगों को जो हवा आवाज़ इतनी कम आ रही है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। यह दूध का कुआं देख रहे हैं, यहाँ पंजाबी में लिखा हुआ है कुछ, इसे देख सकते हैं, कुछ सागर के बीच में ऐसा बना हुआ है। एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं नज़दीक से, यह पानी ऐसे गहराई में ठंडा तो लग रहा है, कुछ तेल या घी लगा हुआ है, और बाबा नानक गुरुदेव जी के द्वारा एक दूध का कुआं, और इसमें लिखा हुआ कुएं में पैसे ना डालें। यह न
नानक सागर डैम का जो है पूरा देख रहे हैं परिदृश्य चारों तरफ का, देख रहे हैं कैसा नज़ारा दिख रहा है। बीच में वो दूध का कुआं और काफ़ी दूर तक फैला है, इतना दूरी है कि अब ऐसे देख कर समझ में नहीं आ रहा कितना, लेकिन काफ़ी दूरी तक पूरा चारों तरफ फैला हुआ। उसके ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ये व्यू, ये उसके आगे पहाड़ी से जो है पानी आता है, पूरा इसमें बारिश होता है पहाड़ का। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने जो खड़ी है हम लोगों की कार श्याम की, उसमें बैठेंगे फिर घर के लिए रवाना होंगे। और ये अब डैम के ऊपर से फिर नीचे जा रहे हैं, और डैम का जो ये देख रहे हैं बना हुआ डैम यही है, और इसके बगल में जो है इसको ऑपरेट करने के लिए पूरा रूम बना हुआ है, जहाँ से अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नीचे फिर चलते हैं, क्योंकि यहीं आगे से जो है रास्ता नीचे हो जाता है जो खटीमा के लिए जाता है। यहाँ से दूरी कितनी है खटीमा की, यह आपको देखने को मिल सकता है। देखा सारी वीडियो जो है, और हम अब जो है घर पर आ चुके हैं और बैठे हुए हैं, कुछ रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप कैसा इस वीडियो को देख के फील कर रहे हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करिए और दोस्तों भी शेयर करिए। इसके बाद ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग वॉचिंग करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।